हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। अभी फिलहाल में आज हम आपको छिबरा मंडी का जो पोजीशन है, छिबरा मंडी में जो आलू का भाव है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी हम लोग जो है छिबरा मंडी के जो आलू आरती, जो आलू व्यापारी या छिबरा मंडी आए हुए किसानों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज छिबरा मंडी में कल से क्या डिफरेंस रहा, आलू के दाम में उछाल आएगा या नहीं आएगा, और आज जो है भाव क्या रहा है। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं सीधा यहाँ के किसान भाइयों से, यहाँ के आड़तियों से, व्यापारी भाइयों से। एक बात आपको बताते चले कि यहाँ पे क्या है, हमने देखा है छिबरा मंडी में मेरे हिसाब से भाई क्वालिटी का माल ना आने की वजह से दाम में बहुत ज्यादा गिरावट है। जितना भी बढ़िया माल आ रहा है भाई साहब 250 से लेकर 300 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बिक रहा है, लेकिन जो निबल क्वालिटी के माल है वो 200, 220, 230, 240 में बिक रहे हैं। तो चलो सीधा आप लोगों ना सीधा रूबरू करा देते हैं यहाँ के आलू आरती व आलू व्यापारी से। अभी हमारे साथ आलू आरती, क्या नाम है आपका? लालू वर्मा। लालू वर्मा जी हैं और इन्होंने अपनी टेबल पे कुछ आलू निकाल के रखे हैं। इन्होंने इस आलू को ना खेत पे परचेस किया है, खेत पर ही इस आलू को खरीद लिया है। केवल ये जो है सैंपल दिखा रहा है आपको, और इन्होंने भी सैंपल देखा है और खेत पे जाके खुद देखा था आपने ना। हाँ, आलू को खुद देखा। तो इसका क्या रेट है भैया? ये भैया 325 रुपया है। 325 कितने होते हैं साहब? 325 रुपए प्रति पैकेट। अच्छा, आपने खेत पे खरीदा है, कुछ अलग से हो सकता है आपने वजन वजन पर रहेगा डिमांड करा? नहीं, नहीं, 52 किलो का मान लो। सेम मान लो भाई, यही होंडा वाला। हाँ, सेम होंडा है। तो ये आलू जो है कौन सा है? 37-97 तो नहीं है? ये है 502 आलू है। लेकिन ये आलू देख पा रहे हो आप लोग जो भैया, बोला लोग बोलते है यार। अच्छा, ये देखो भैया, इन्हें मतलब सारा चीज देख लिया है। ये लोडिंग कहाँ के लिए कर रहे हैं इसका, मतलब किधर, किस साइड का बता दो? साउथ के लिए जाएगा ना। हाँ भैया, ये साउथ क्वालिटी का आलू है, इन्होंने 325 रुपए में परचेस किया है। ठीक है, बात बाकी आपकी दुकान पे आज आमतौर पे आलू की जो बिक्री है वो किस तौर पे हुई थी, थोड़ा आओ बाहर मुझे बता दो। 150 रुपए लेकर 250 रुपए बिके हैं। मतलब 150 से लेकर 250 रुपए और 250 आमतौर पे। अच्छा, 150 रुपए लेकर 250 और एक आध लाट इन्होंने यहाँ पे 70-80 रुपए की बिकी है। एक आध लाट 70-80 की बिकी है। एक आध लाट 70-80 रुपए। हाँ जी। अच्छा, और 300 रुपए भी इक्का दुक्का मंडी में बिका है ना। ये जो आलू पड़ा है इसका क्या रहा सर? कर दे, मतलब ये आलू जो पड़ा है इसका क्या, कैसा रहा इसका क्या? ये गड्ढ माल है थोड़ा। हाँ, गड्ढ है। इसमें बड़ा भी है, छोटा भी है, सब कुछ है, गड्ढ है। इसका क्या रेट होगा भैया? लगभग 230 रुपए मान के लो। मतलब 230-240 रुपए मान लो। अच्छा, आमदनी आज कितनी है मंडी में? आमदनी आज हमारी समझ से लगभग 80 से 100 गाड़ी की आमदनी है यार। भाई नहीं होगी इतनी, नहीं हो सकती यार। 80 गाड़ी की आमदनी है। 80 गाड़ी मंडी फट जाएगी। अरे भैया, 80 गाड़ी की आमदनी है यार। अच्छा, 80 गाड़ी की आमदनी है इनके हिसाब से इतनी है। बाकी मेरे हिसाब से आमदनी बड़ा बड़ी मुश्किल से 40-50 मोटर की होगी। नहीं, इस समय तुम्हें लग रहा है, इस समय तो लोडिंग हो चुकी है। कम से कम 30-40 गाड़ी बाहर निकल चुकी है, कम से कम 50 गाड़ी लोड हो रही है। अच्छा, लाल आलू क्या भाव है? लाल आलू बिके हैं 200 लेके 250 रूपए। और न्यू आयलैंड? न्यू आयलैंड बढ़िया आयलैंड मान लो 300 रूपए लेके 350 रूपए। दाम हम बढ़ने का यार कुछ मन है यार? नहीं यार, देखो भैया बोलो, जरा मैके में आप बोलो क्या कह रहे हो। नहीं, होली से पहले कुछ नहीं हो सकता है इसमें। होली से पहले कुछ नहीं, होली बाद भी पता चले होली खेल गई फिर भी कुछ ना हुआ, फिर क्या करोगे यार भैया? तो चांस है एक, बस अनुमान है। पता है क्या, ऐसा हमने इनसे इसलिए बोला है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग कहोगे कितना हुआ, तो यार कोई ठेकेदार नहीं है ना, एक आइडिया है, उनका एक अनुमान है। बाबा की आपका अनुमान क्या है, आप अपने हिसाब से अपना काम करें तो कितना बढ़ सकता है लगभग, थोड़ा ये बता दो। यही मान चलो साउथ की लोडिंग हमारे हिसाब से वही 350-400 के आसपास बिकेगा। अच्छा, साउथ की क्वालिटी की जो लोडिंग होती है लगभग अपनी मंडी से कई गाड़ी निकल जा रही रोज? हमारी मंडी से लमसम भाई मान चलिए अभी तो समय 10 से 15 गाड़ी निकल रही है। 10 से 15 गाड़ी निकल जा रही है। अच्छा, साउथ क्वालिटी? हाँ, साउथ क्वालिटी। अपने यहाँ खुदाई लगभग कई परसेंट तक होगी होगी इधर? अपने यहाँ खुदाई भाई मान चलो इस लोग हमारे 50% हुई हुई है खुदाई। नहीं, अपने हमारे इधर तो लगभग 20% रही होगा। आलू खुद जाएगा, ये कंफर्म है, मार्च भरे में आलू खुद जाएगा पूरा। अच्छा, हमारे साथ छिबरा मंडी के आलू आरती जो है राजू ठाकुर जी हैं। आज इनकी आड़त में भी मार चुके हैं। इनकी आड़त में जो है ना एक लाट खुली पड़ी है जो कि सफेद आलू भी लाए है और उसकी यहाँ पे भी बिक्री हो रही है। ये हमारे व्यापारी साहब है और हो चुकी है, इसकी बिक्री हो चुकी है। अभी पता करते हैं इसका रेट क्या खुला है। बाबा की जो है अभी मंडी का शाम टाइम है, मतलब जो भी आलू की बिक्री हो चुकी है, सभी की लोडिंग चल रही है।
ये देखो शायद अंडा मतलब इसको बोलते ना साउथ क्वालिटी, ये साउथ क्वालिटी की लोडिंग हो रही है। और अभी जो है हमारे साथ आलू आरती राजू ठाकुर जी हैं। आज छिबरा मुख मंडी में क्या आमदनी रही गाना बंद करो भैया। आज छिबरा मुख मंडी में आमदनी हुई कम से कम 40 मोटर की तो हुई नहीं हुई कि 40 मोटर की 50 मोटर 50 मोटर की कहां लग रही थी मंडी खाली पड़ी है 50 मोटर आमदनी आती ना मंडी में जगह नहीं रहती। आप बताओ भैया आज आमदनी लगा आपके हिसाब से 40-50 मोटर की है, भाव क्या रहा है आज? भाव बचा है 100 से लेके 300 रुपए तक आलू, 100 रुपए से लेकर 300 रुपए। इतना डिफरेंस क्यों है भाई? यार 100 रुपए से 100 रुपए बिचता चित्ती वाला आलू, बिल्कुल चित्ती जो मतलब समोसे वाला। हाँ समोसे वाला ऐसे बता दो थोड़ा आसानी रहेगी ना, किसान डर जाते ना यार 100 रुपए में कौन सा चित्ती वाला आलू 100 रुपए के आसपास। और जो जो जनरल आता है समोसे वाला बोल दिया एक बार में, और क्या चाहिए भाई समोसे वाला। और जो नंबर दो में वो आलू आते हैं जो 200 के आसपास वाले, वो जनरल आलू जिसमें दब बिना दवा लगा हुआ आलू। अच्छा जनरल मतलब ठीक ठाक, ऐसा चेचक भी है गड्ढ मान लो उसको, ऐसे ये पड़ा है आलू ये जनरल में ही आएगा ये। लेकिन ये तो कुछ ठीक दिखाई दे रहा है मतलब मेरे हिसाब से तो। इसका क्या रेट है? ये बेचाता शायद 230 रुपए का। 230 में लिया भैया इन्होंने लिया है 230 या 31 का 31 का। और इसके किसान? किसान कोई नहीं यहाँ पे, किसान है नहीं यहाँ पे, कोई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन ये बता रहे 230 रुपए बिका हुआ है। तो देखो ये वाला आलू जो है 230 रुपए वाला आलू भरा जा रहा है ये, ठीक है। ये आलू जो है हमारे ख्याल से मतलब बिल्कुल जो है डंप लगा के भरा गया था, इक्का दुक्का दाने में चेचक भी है, मतलब इक्का दुक्का में का कई जगह पे है देखो। अच्छा लाल क्या भाव रहा है आज? लाल 200 से 250 बस, 200 से 250 गोल वाले। गोल वाले न्यू आयलैंड बताओ लंबा वाला। न्यू आयलैंड 350-400। मतलब न्यू आयलैंड इतना तेज है? अच्छा अच्छा न्यू आयलैंड की आमदनी कितनी हो रही होगी? 5-6 मोटर ही होगी। 5-6 की 10 की होगी, इससे नहीं होगी आयलैंड। 300 रुपए बिका कोई किसी को आलू आज? हमने बेचा सफेद। आपने? हाँ था 300 का। अच्छा 300 लगा सामने। कहाँ पे लगा 300? प्लाट लगी सामने। देखो ये लगा 300 रुपए वाला आलू भाई, इसकी भर्ती वगैरह आप क्या आपको दिखा दे रहा है? आओ दिखा अंदर से, दिखाओ थोड़ा दिखाई देगा। हाँ हाँ हल्का हल्का दिखाई दे रहा है देखो ये, मतलब बिल्कुल सही है ना। बस और क्या चाहिए? ग्रीटिंग वाला है ना? ग्रीटिंग वाला बस यार भी है बिल्कुल। 301 का बिका ये देखो, 301 का। 301 देखो भैया ये रहा इसका कट्टा, और वजन जो है इसमें होंडा होता है 50 से 55 जितना भी हो, 50 से 51 समझो बाबू 50 भाई है। और ये 300 रुपए में बेका है राजू ठाकुर जी ने, ठीक है। और जिस किसी विश्वास ना हो रहा ना फटाक से आओ इनकी दुकान पे देख के जाओ भाई 300। और ये जो ना पूरा पूरा इसके गारंटी का बिल भी दिखा देगा। 300 रुपए में बिक्री किया किसान का।